यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब पता है आपको मेरे स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? ऐसे बोल बोल दोस्तों मैं पहुँच गई इस स्वर्ग में, मतलब मेरे पतिदेव ना मुझे छोड़ के चले गए, बोले तो मुझे टेस्टी टेस्टी का फल खाने को, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और ये दिख रहे होंगे आपको काले काले काफल, इसमें मैंने तेल और पिसा नमक मिला। हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब ठीक होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों आज की मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही देवभूमि उत्तराखंड से। तो अभी जा रही हूँ मैं अपने ससुराल, मैं और मेरे स्वामी जी। स्वामी जी भी जा रहे ससुराल, नहीं स्वामी जी जा रहे अपने मायके यानि कि अपने घर, और मैं जा रही अपने ससुराल बहुत दिनों के बाद। बहुत भी नहीं पर ऐसे क्या बोलते हैं 10-15 दिन हो गए होंगे तब से मैं ससुराल नहीं गई। तो स्वामी जी आ रहे अभी, ऊपर रोड में वेट कर रहे होंगे, तो मैं भी जल्दी से चलती हूँ क्योंकि आजकल मुझे ना जुकाम बुखार लगा है, इस रीजन से मेरी आवाज़ अजीब सी आ रही होगी, मोटी मोटी टाइप की। तो सर दर्द भी हो रहा था सुबह सुबह, मतलब सुबह से अभी तक सर दर्द हो रहा था। तो थोड़ी देर पहले मैं नहाई तो उसके बाद ना सर दर्द ठीक हो गया था। तो अभी जाती हूँ मैं ऊपर रोड में, वहाँ पे स्वामी जी वेट कर रहे होंगे मेरा। इंतजार करने के बाद हम पहुंच चुके हैं डांडा चिली की रोड में, और अब यहाँ से जाएंगे हम अपने डांडा की और, मतलब क्या बोलते हैं, ये दूसरा वाला रास्ता है। अब जिस रास्ते से मैं जाती ना वो दूसरा वाला रास्ता है। क्यों तो जाते वहाँ से, वो गाड़ी जा रही थी। तो दोस्तों इन पे देखो, जैसे जैसे ना इनका घर पास आ रहा है ये भागते जा रहे मुझे यहाँ पे छोड़ के। ऐसे है मेरे पतिदेव, ये इनसे ना ये 2 लीटर की लिमका की बोतल भी नहीं ले जाई जाती, पता नहीं क्या है अजीब से। हम यहाँ तक घास के लिए आते थे इधर से और इधर से इधर से, और ये वाला तापड़ नहीं है नीचे का पॉड, वहाँ तक आते थे हैं मैम। हाँ हमारा गांव दिगोठी, मेरा ससुराल ये वाला, मेरा भी होने वाला है। और हम जा रहे अभी जंगल वाले रास्ते से। आपको पता है चंबा से हम ना 6:30 बजे लगे यहाँ के लिए रास्ता, मतलब यहाँ 6:30 बजे आए। तो अभी हमें हो चुका है थोड़ा थोड़ा अंधेरा, और जैसे ये जंगल वाला रास्ता है ना इसके सामने ऐसे लग रहा है जैसे कि अंधेरा हो गया। बट पता है आपको पतिदेव के साथ आने के ना एक फ़ायदा होता है, सामान कुछ भी नहीं बोकना पड़ता क्योंकि मेरे पतिदेव आगे से बैग ले जा रहे, इस रीजन से नहीं बोकना पड़ता सामान। दोस्तों जो ये तापड़ है ना यहाँ पे हमारा गांव का थौल भी लगता है इस तापड़ में। मेरे पतिदेव ना मुझे छोड़ के चले गए, बोले तो मुझे जंगल में अकेला छोड़ के चले गए। और आपको पता है यहाँ ऊपर ना काफल वाले आ रखे ऊपर की साइड, तो हमारे ऊपर का जंगल नहीं है यहाँ ऊपर, ये यहाँ आ रखे कोई काफल वाले काफल निकालने के लिए, पता नहीं कौन आ रखे हमारे जंगल में काफल निकालने। जब तक हम पहुँचे तब तक लोगों ने सारे काफल सुट कर दिए। तो यहाँ आगे पे ना एक ठंडा ठंडा सा पानी है जिसका नाम भंवरिया पानी है। सुनो तो आजकल ना यहाँ देखो देखो आजकल यहाँ पे मंदिर भी बना है, मंदिर होते दिखने वाले उसके बच्चों बना रहे। अच्छा नहीं उस पे वो भी लगा रखा, मंदिर बना रहे थे पहले ऐसे दिया भी जला रखे। तो दोस्तों यहाँ ऊपर ना मम्मी पापा हो रखे, मतलब हो रहा शायद से सब आ रखे काफल निकालने के लिए, मेरा मन कर रहा है यहाँ काफल निकालने का। दोस्तों कुछ इंतजार करने के बाद हम पहुँच जाएंगे अपने डांडे में ये। तो दोस्तों ये रहा आपका भंवरिया पानी, और यहाँ पे ना ठंडा ठंडा पानी आता है यहाँ ऊपर की साइड। और ये किस चीज़ का पेड़ है, है? भाग गए। ऐसा है मेरे स्वामी जी, आपके स्वामी जी भी हैं ऐसे कमेंट करके। पहुंच चुके हैं अपने डांडे में, और यहाँ पे ना बहुत सारी कीवी की बेर हो रखी, और ये है हमारे गांव का सुप्रसिद्ध शिवालय हर हर महादेव।
ये रहा आपका सामने पे गजा मार्केट, और यहाँ पे ना ठंडी ठंडी हवा चल रही इस धार में। तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही, अब पता है आपको मेरे स्वामी जी क्या बोल रहे, ऐसे बोल बोल दोस्तों मैं पहुँच गई स्वर्ग में। मतलब इनका प्लान ये है कि ये स्वर्ग में पहुँच जाए, बट नर्क तक क्या, स्वर्ग तक भी नहीं छोड़ूंगी पीछा। तो दोस्तों वैसे ही ना मस्त वाली हवा चल रही यार, ठंडा भी लग रहा है हल्का हल्का सा। आते ही मिले हमें टेस्टी टेस्टी काफल खाने को, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और ये दिख रहे होंगे आपको काले काले काफल, इसमें मैंने तेल और पिसा नमक मिला रखा है। अब नमक मिला के मैं काफल का आनंद लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप लोग। दोस्तों मेरे चारों तरफ ना अंधेरा भी हो गया है, टाइम भी आ गया है वीडियो को एंड करने का। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो मेरे इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। मैं समझ नहीं गया, आपको मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ पर देखती हूँ सांस की हवा का आनंद ले रहे, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय, जय देव भूमि उत्तराखंड, बाय बाय।